तो भाई पत्ते क्यों लगा रखे, क्या कर रहे हैं? पत्ते लगाने का यही कारण है, कोई परछावा नहीं पड़े, थोड़ी बीमारियों से दूर रहे हम, यही चाहते हैं। तो किसने ये उपाय दिए हैं आपको? ये बड़े बूढ़े कहते हैं इन उपायों के लिए कि इनको लगाओगे तो आप परछावे से दूर रहोगे, गंदा कोई परछावा नहीं पड़े आपके ऊपर। नीम के पत्तों का लगाने का कारण यही है। तो सभी मरीजों ने लगा रखे हैं ऐसे? जी जी सर। एवरी किस मामले में पत्ते लगा रखे, क्या है? इसीलिए लगाते हैं पत्ते, ये परछा वर्चा नहीं पड़ता है इससे, और रोज बदल देते हैं और ऐसे लगा देते हैं रोज, और पत्ते नीम के पानी में डाल के नहलाते भी। किसने बताया आपको ये? बड़े बूढ़े बताते हैं तो वैसे ही लगा देते हैं सब, और भी मरीज हैं वो भी लगाते हैं, तो फिर हम भी लगा देते हैं, वो सब के बोलते हैं पत्ते ले आओ तोड़ के। तो रोज बदलते हैं पत्तों? हाँ, रोज बदल देते हैं। मेरा नाम राधेश्याम है। सिक्के क्या पत्तों का कारण क्या लगाने का मरीजों के आसपास? नीम के पत्ते से ये है, थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह का चांसेस कम रहता है, कीटाणु वगैरह जैसे नहीं रहेंगे, और जख्म भी अच्छा सा क्लीन हो जाता है, उसी के चलते लगा रहे हैं। वैसे तो SOS क्रीम बहुत बढ़िया क्रीम आई हुई है, उस पर नीम के पत्ते का कोई ताकत भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी पुरानी मर्यादा के चलते लोग बाग जैसे नीम के पत्ते सिर के पास रख देते हैं, अंधविश्वास कह लो या कैसे भी, लेकिन उसके हिसाब से ये अपनाए जा रहे हैं। वैसे SOS के सामने इसका कोई तात्पर्य नहीं। तो क्या मानेंगे मरीजों ने चारों तरफ कोने में लगा रखे हैं, इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ये तो प्रथा चली आ रही है, उसको लोग बाग निभा रहे हैं, कर रहे हैं। सर मरीजों ने नीम के पत्ते लगाकर इलाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? क्या नहीं, देखिए ऐसा है, किसी मरीज की अगर ये सोच हो सकती है, लेकिन मैंने अपने स्टाफ को इस तरह की नहीं, फिर अस्पताल में इलाज कराने का उनका औचित्य क्या है? अगर किसी ने लगा लिए हैं, आपने देखे हैं, तो आपको भी हटवा देना चाहिए, क्योंकि समाज में एक पत्रकार होने के नाते आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। और अगर मेरे किसी स्टाफ ने देखे हैं तो मैं अभी देख लेता हूँ, वैसे थोड़ी देर पहले ही राउंड लेके आया हूँ, मुझे ऐसी स्थिति वहाँ नज़र आई नहीं थी। तो क्या कोई अपनी परंपराओं के अनुसार ऐसा काम करता है तो उसे हमें समझा के उसकी काउंसलिंग करके इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। पहले लोगों में ये धारणा रही है देश में कि साहब वो बालों का वो कुछ लगा लेते थे और नीम की पत्ती कर देते थे और ये, तो उस समय पे जब इंस्टॉलेशन का या कहना चाहिए एंटीबायोटिक नहीं थे तो लोग घाव तो अपने आप भरता था, लेकिन नीम की पत्ती की वजह से शायद उस समय पर रहा हो कुछ ऐसा, लेकिन अब तो हम उससे बहुत बेहतर स्थिति में हैं। ये तो बिल्कुल प्रिवेंटिव स्टेज, जो आदिमानव होगा उसने ऐसा किया होगा, हाँ, तो वो परंपराओं के आधार पर अगर ढो रहे हैं तो गलत है।